बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम गुड मॉर्निंग इरफान हाशमी, आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरे साथ अमरीका से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन सिपाही साहब। सर सलाम अलैकुम। जी जनाब, इरफान सलाम। अच्छा सर, मैं आज मुख्तसर सी हम वीडियो करेंगे और आपको जो मधु करने का मकसद ये था कि आज बिलावल भुट्टो पंजाब में बहुत एक्टिव हैं, नजर आ रहे हैं, हमजा शहबाज से भी मिल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि वो डिक्टेशन ले रहे हैं, वो बाकी डिक्टेशन ले रहे हैं या हमजा शहबाज को बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। इन पार्टीज का अगर आप माजी देखें सर, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नैब कवानीन को इसलिए खत्म नहीं किया गया ताकि इंतकाम लिया जा सके जरदारी साहब से, इनकी हकूमत से, इनके लोगों से, और आज वही नैब का कानून जो है वो इनके गले पड़ा हुआ है। और आज इस तरह मिल रहे थे जिस तरह दो दोस्त बिछड़े हुए मिलते हैं और बहुत कुछ हुआ, चौधरियों से भी मिले हैं सर, तो सर ये पंजाब में क्या हो रहा है? देखिए, ये जो कुछ अभी हुआ सेंटर में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन पीडीएम जीत गई, जैसे भी जीती उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी बनी, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, उसमें नंबर इमरान खान साहब के और बढ़ गए। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि जी यहाँ तो हमारा हो गया एक तरीके से 6 महीने का काया, जिसे कहते हैं पलट गई या स्टॉप हो गया, पॉज हो गया इनकी, क्योंकि अब ये क्या कर लेंगे, जुलूस जलसा कर करेंगे, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च अगवा से तो कोई गवर्नमेंट वर्मेंट जाती नहीं है, तो वो जाहिर है वो क्रिएट करेंगे, हिट करेंगे इकोनॉमी को, गाली गलौज करेंगे, मीडिया ग्रैब करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वो 2-3-4 दिन कर ले, जितने दिन करना है कर ले, उससे कोई मसला नहीं होने वाला हल। तो मगर 6 महीने तक कोई और प्लान नहीं है इनका, तो दे हैव मूव टू पंजाब, और पंजाब इज अ वेरी ट्रिकी प्लेस फॉर बोथ द पार्टीज, यानी पीटीआई के लिए भी और बाकी दोनों के लिए भी और अपोजिशन के लिए ज्यादा ट्रिकी, इसलिए कि वहां पे अगर लड़ाई होगी तो नून लीग और पीपीपी में होगी, और उनमें लड़ाई हो तो इसका मतलब है पूरी पीडीएम ही वो सारी तितर बितर होती है। पीटीआई के लिए ये है कि अगर वो सिस्टम जो वहां पे बैठ लगा हुआ है और जो 2.5 साल से जो इमरान खान साहब चला रहे हैं वो डिस्टर्ब होता है, और आपको याद है हमने पहले भी एक आध दफा बात की थी कि इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को इसलिए नहीं निकाला कि वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब होता है तो फिर वो सारे कैलकुलेशन और सारी मैकिनेशंस और गिव एंड टेक, लेना देना, बार्गेनिंग, यानी वो सब दोबारा रीओपन होता है, और उसमें ये जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो एलाइज हैं, जो छोटी पार्टीज हैं, वो फिर आके नई नई डिमांड्स लेके और नई नई लेके, अभी भी उन्होंने कोशिश की, एमक्यूएम ने कहा कि जी हमें मिनिस्ट्री दें और हमारे वो वाइस चेयरमैन बनाए और कुछ करें करें, लेकिन अल्टीमेटली वो दे ऑल केम अलाउंड। पंजाब में भी यही होगा, और वो चौधरी ब्रदर्स जो हैं वो तो तैयार बैठे हैं कि उनको मौका मिले, वो इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं और 10 सीटों से खेल रहे हैं सर। देखिए ना, जब बैलेंसिंग एक्ट ऐसा हो कि जी आपने अगर एक सीट इधर डाल दी तो वो यूं हो गया और दूसरी सीट यूं हो गया, तो फिर लेकिन सर ये गवर्नमेंट से दूर जाना कोई मेरा ख्याल अफोर्ड नहीं कर सकता, काफ लीग जो है वो गवर्नमेंट से ज्यादा क्या करेगी? नहीं, वो मगर गवर्नमेंट देखे ना, काफ लीग अगर गवर्नमेंट में जाएगी तो फिर वो जाएगी टोटली पीडीएम के साथ, वो उनके साथ मिलके फिर वो गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो एक बड़ा, यानी बहुत बड़ा अपहीवल होगा पंजाब में, गवर्नमेंट को पीटीआई को निकाल दे, अपोजिशन में ले आए पंजाब में, तो पीटीआई इनके लिए बहुत बड़ा दर्द सर होगा, नहीं चला सकते ये। और इसी तरह यानी अगर वो रहते हैं पीटीआई के साथ रहते हैं चौधरी ब्रदर्स, तो दे विल क्लेम देयर पाउंड ऑफ फ्लैश, इसे कहते हैं, अभी भी उन्होंने क्लेम किया हुआ है, ही इज द स्पीकर और उनके जो लोग हैं वो, और डिमांड करते रहते हैं कि जी वो हमारे बेटे को फेडरल मिनिस्टर बनाओ, लेकिन नहीं बनाया इमरान खान साहब ने अभी तक, मगर अब शायद हो सकता है कि उनको बनाना पड़ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं सर, और इन 7 सीटों पर वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं हमजा को क्या करना है क्या नहीं करना। सर ये भी बताएं, बाज लोग तो ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ऑब्वियसली
द चॉइस ऑफ इमरान खान, दो एन है, एन से इमरान, एन से उस्मान। बाद लोगों ने तो ये भी कहा कि इसलिए उन्हें कहा गया कि जनाब हटाया तो बहुत काम खराब हो जाएगा। लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी इज अ मेन फैक्टर, रूट्स नून लीग की इतनी ज्यादा डीप हो चुकी हैं। वो तस्वीर जो आई थी इलेक्शन कमिश्नर, वो जो साहब उठ के मिलते हैं सेनेट के इलेक्शन के दौरान, तो ये आपको इसकी झलक पंजाब में तो ब्यूरोक्रेसी में हर जगह नजर आएगी, ताबेदारी आपको हर जगह मिलेगी, और उस्मान साहब के लिए काम करना इसलिए भी सर मुश्किल हुआ हुआ है। देखिए कई लोग तो ये अब कह रहे हैं और बाकायदा क्लेम कर रहे हैं कि जी न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में और उनके चैनल ने बार बार यही चलाया, और फिर बाकी लोग भी उसको पिक कर रहे हैं कि जी मैं आपको डेफिनेट न्यूज बता रहा हूँ कि डिसाइड कर लिया इमरान खान साहब ने कि जी इनको हटाना है। मालिक साहब तो काफी दिनों से कैंपेन कर रहे हैं सर। खैर वो करते रहे, उन पर जब बाद में जब मौका आएगा तो बात करेंगे क्यों करते हैं और क्या करते हैं। लेकिन है तो वो उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया कि जी इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया इनको हटाने। अब देखिए अब एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं थी काफी अरसे से कि जी ये काम नहीं चल रहा पंजाब में और इसको आप ठीक करें। इमरान खान साहब ने 2-2.5 साल उनको चला लिया। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये चेंज हुआ पंजाब में और इमरान खान साहब को उन्हें हटाना पड़ा, गुलजार साहब को, आपको याद होगा उन्होंने कई दफा ये पहले कह चुके हैं इमरान खान साहब के गुलजार जब जाएगा जब मैं भी जाऊंगा मेरे साथ ही जाएगा, ये उन्होंने कई दफा कहा है कि ये नहीं हटेगा और मैं भी उसका मतलब ये है कि अगर गुलजार साहब जाएंगे तो इमरान खान साहब ने भी ये प्लान बनाया हुआ है कि फिर यहां से भी सब जाएंगे। और वो उनका जो बेसिक एक आइडिया है जिसपे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग है कि ये सिस्टम रॉटन सिस्टम है, गला सड़ा हुआ सिस्टम है, ये नहीं चल सकता। यानी ये बाकायदा वो कहते तो सही, सही सही सोचते हैं सर, आई सही कहते हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं कहते जाहिर है, लेकिन मुझसे कई दफा उन्होंने कहा, लिख के भी कहा कि ये सिस्टम रॉटन सिस्टम है, ये नहीं चल सकता, मगर वो उसको जरूरत है, जो भी मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि अभी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टेबलाइज नहीं करना, हर तरफ से प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो वो उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर अगर उनको इतना प्रेशर आ गया कि जी उनके बुज़दार साहब को भी हटा दो और बाकी चोरों को बना दो चीफ मिनिस्टर और किसी को ये बना दो किसी को ये दे दो और लेना देना बहुत ज्यादा हो गया, तो देन ही विल वाइप आउट स्लेट, कहेंगे जाओ जी सब चलो खत्म करो फिर। यानी अगर फरमाइशें बढ़ी तो सिस्टम फिर खतरे में है सर। ये लोग अब शायद कहते हैं कि अगर आप ओपोजिशन के बयान सुने कि मरियम नवाज की सियासत सर देखें, आपको बयान के अंदर कहीं पे भी मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अबू जी ये हमारी जदादें ये हमारी ओपोजिशन ये हमारा पीडीएम हमारा सब कुछ सर, दो थप्पड़ों की अब बात हो रही है कि तुम दो थप्पड़ मारोगे तो हम 10 मारेंगे। सर ये नेशनल लीडर्स इस तरह बिहेव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल वो जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो एक बच्चे एक लड़के के पीछे भाग रहे हैं, उसने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, थप्पड़ मारा नहीं मारना चाहिए था, जूते पड़े नहीं पड़ने चाहिए थे ये। लेकिन आपको तो पता था कि सब कुछ होगा, आपने तो मौके की तलाश में वहां पे गए। ये मौके की तलाश में नहीं गए, ये मौका क्रिएट करने गए थे और ये ऐसे मौके अब और क्रिएट करेंगे। अब ये जो बात कर रही है कि जी हमें तुमने दो जूते मारे तो हम 10 जूते मारेंगे, तो ये 10 जूते लोग मार देंगे जाके सड़कों पे। लोगों को तो एक हिंट चाहिए होता है ना, लीडरशिप कह रही है कि जी पै जाओ, तो वो तो पै जाएगी। फिर आप मुल्तान, आपको याद होगा जो इंसिडेंट मुल्तान में नहीं रोका गया था, लाहौर में रोका गया, फिर वो आपने देखा होगा कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने किसी को नहीं रोका क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुए और ये तलाश में थे कि कोई इंसिडेंट हो जिसे वो फिर तलाश में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर में इनकी जो है ना पॉलिसी सारी और इनका जो प्रोग्राम था वो सारा का सारा अब एक डेड एंड पे पहुंच गया। अब एक इनके पास रह गया है सिर्फ लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च इतना मुश्किल काम है और इतना कंबरसम काम है और उसका कोई फायदा नहीं है और उस पर खर्चे बेइंतहा है, पता नहीं उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो इन सबको भी पता है कि लॉन्ग मार्च जो है ना आखिरी थ्रेट है, धमकी है, लेकिन वो होना नहीं है, ये हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होना। तो लॉन्ग मार्च अब रह गया, बाकी सारी पॉलिटिक्स यहाँ से गोल है क्योंकि असेंबली में कुछ नहीं कर सकते और अब
बैठेंगे, गाली गलौज करेंगे, मीडिया पे करेंगे। इनको चाहिए नया एक लेवल अप के, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए सड़कों पे और बागीची से, जिसके ऊपर ऑब्वियसली जाकर बात कर सके। और वो ये शुरू करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट इसको, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सख्ती से इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसमें कुछ अब शर्म और हया की जरूरत नहीं है कोई। बिल्कुल, लेकिन सर हमारे समेत और बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब की, देखिए सर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इन लोगों ने एंगेज किए रखा पाकिस्तान की हुकूमत को 2.5 साल। आई थिंक इस टाइम के पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब जो असल इश्यूज हैं उसकी तरफ जाएं, महंगाई को कम करें। सर इस वक्त पाकिस्तान में एक इशू है महंगाई का, आवाम चीख रही है महंगाई। शेर रशीद साहब ने भी कहा महंगाई, तो महंगाई को सर कम होना बहुत जरूरी है। यही बात है कि इश्यू इतना बड़ा है उस पर एड्रेस करना चाहिए, कर रहे हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि शेख रशीद साहब अपने तकरीर में उसको लेके आते हैं कि जी अब आप छोड़े बाकी काम और ये करें, और मेरा ख्याल है ये होगा। मुझे सर कल कमेंट्स में भी लोगों ने, कईयों ने कहा कि आप महंगाई की खुदारा करें, ये थप्पड़ पड़ रहे हैं, लोग मार रहे हैं, इसको छोड़ दें। इमरान खान साहब को, बाकी लोगों को बताएं कि गरीब सर यहां तक उन्होंने कहा, और मुझे कोई इसमें आर नहीं है क्योंकि हम चाहेंगे अगर हमारे भी क्रिटिसिज्म है हम उसको आप लोगों के सामने रखेंगे। उसने कहा जी कि आप तो लंदन में बर्गर खा लेंगे और अमेरिका में भी कोई ऐसी गजा खाई जाएगी, तो हम तो भूखे मर रहे हैं भाई। पाकिस्तान की आवाम की बात करो, लोगों की बात करो, तो बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की सर हुकूमत को ये सोचना चाहिए। अच्छा सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये चौधरी बरादरान से चेयरमैनशिप के लिए वोट मांगने गए थे, उस पर उन्होंने माजरत कर ली है। दूसरी पाकिस्तान, इमरान बिलावल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हर किस्म की तावुन करेगी नून लीग के साथ पंजाब के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आती 7 सीटों के साथ किस किस्म का तावुन करेगी, नामो निशान बिखर गया, खत्म हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में से, तो क्या तावुन होगा। मुझे तो सर ऐसा लग रहा है, आप भी रोशनी डालें, कि पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग द पॉलिटिक्स इन पीडीएम और ये नून लीग को वाइप आउट करने के लिए इस मिशन पे निकली हुई है। जाहिर है पीपल्स पार्टी का पहला जो टारगेट है वो ये है कि जी हमें तो पंजाब से नून लीग ने पहले निकाला और उसके बाद पीटीआई ने आके तो सफाया कर दिया, तो दे वांट अ पतली गली से वो अंदर आना चाहते हैं किसी तरीके से, अंदर आके दोबारा अपनी पॉलिटिक्स शुरू करें। कोई एक आध अगर उनकी हुकूमत बनती है तो एक मिनिस्टर बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और एक या दो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा अगर बनती है तो, इट्स अ बिग इफ। लेकिन वो फिर गवर्नमेंट में आके अपनी पार्टी को फिर दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पंजाब की। मगर वो अब तो उनका तो पहला टारगेट अपनी सेल्फ इंटरेस्ट है ही है, लेकिन वो यूज करना चाहते हैं नून को और वो यूज करना चाहते हैं बाकी लोगों को। अब ये लोग कितना यूज होते हैं, नून लीग वाले को इतने बेवकूफ और पागल तो नहीं है कि वो उनको लाके कहें जी आ जाओ आप दोबारा अपनी सारी जो ग्लोरी थी वो अचीव कर लो और हमें आप कोने में डाल दो और फिर आप हम दोनों मिलके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इनके आपस में जैसा मैंने कहा ना, पंजाब में जितना जितना ये एंटर करेंगे इनके आपस की फ्रिक्शन और लड़ाई बढ़ेगी और वो इनके लिए संभालना मुश्किल होगा। मुफ्ता इस्माइल साहब को सर एनए 249 जमीनी इंतखाबात में टिकट देने का नून लीग ने ऐलान किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है अगर ये देखा जाए। क्या होगा सर, ये एक तरफ तो कहते हैं हम हुकूमत को नहीं मानते, सहवान को नहीं मानते, सब कुछ नहीं मानते, लेकिन टिकटें सर दर-दर जो है तकसीम हो रही। वो टिकट तो खैर देंगे, जाहिर है इलेक्शन होगा तो उनको लड़ना है, लेकिन कराची में वो उनकी फैसल बहादुर साहब की सीट होगी शायद। जी जी फैसल बहादुर सर, उस पे नून लीग का कितना इन्फ्लुएंस है और कराची में कितने लोग हैं उनके, कौन उनके सपोर्टर्स हैं, क्या वो बड़ा नाम ही है और ऐलान के तौर पर अच्छा है कि जी हमने कर दिया ये, लेकिन मेनली मेरा ख्याल है वो सीट कराची वाले और पीपल्स पार्टी वाले या एमकेएम वाले क्लेम करेंगे वो, और एमकेएम वालों को अगर जरूरत होगी तो पीटीआई वाले, फिर पीटीआई भी जाहिर खड़ा करेगी अपना कोई ना कोई, तो उसमें लड़ाई होगी। लेकिन नून लीग का उसमें कोई ज्यादा प्रोपेगेंडा की हद तक तो ठीक है, लेकिन बाकी कुछ ज्यादा रोल नजर नहीं आता मुझे। शेख रशीद साहब सर हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी बात करते हैं जो तूफान बर्पा कर देता है। जाते जाते सर ये भी कमेंट इस पे कर दें, उन्होंने कहा कि जिस दिन तरीके इत्माद का वोट लेना था 3 बंदे कम थे और शोर शराबा बढ़ा हुआ था, और पेशन गोई की है कि संजरानी साहब ही जो हैं वो अगले चेयरमैन होंगे सेनेट के।
देखिए, इसमें तो शायद हमने पहले भी बात की, सजरानी साहब की अपनी एक लॉबी भी है और उनके पीछे लोग भी हैं और एक कंटिन्यूटी भी होगी अगर वो रहे तो और मार्जिन भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, मार्जिन है और एक दो लोगों को इधर उधर करना बहुत मुश्किल को नहीं होता, कोई बगैर बेईमानी के पैसे दिए या ये कहिए नहीं, पैसे भी आप एक दो लोगों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो सही कह रहे हैं शेख जी। सर वो एक तो जमात इस्लामी वाला मामला है, वो पीपल्स पार्टी को अब देखना पड़ेगा पीडीएम भी किस तरह करते हैं, और संजरानी साहब ऑब्वियसली उनको अपना एक ये भी सर जो शख्सियत हैं अपनी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हफीज शेख की एक अपनी एक अपने मामला थे और ऑब्वियसली उस हिसाब से लोगों ने उन्हें लिया, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, और जाते जाते हम आपके सामने मैं ये ऐलान करता चलूं कि अगला शो यानी कल हमारा पहला शो आखिरी शो यानी प्रोग्राम आखिरी शो है, उसकी लॉन्चिंग है, बहुत शिद्दत से आखिरी शो का पहला शो होगा कल, आखिरी शो का पहला शो होगा, इस वीडियो के फौरी बाद आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म में जो मकाम सहाफत का अब नहीं रहा, किस तरह बयानिए बनाए जाते हैं, लोगों को सिखाया जाता है, तहरीरें लिखवाई जाती हैं, बोलने के लिए पर्चियां दी जाती हैं, कॉलम लिखवाए जाते हैं, हम अपने अंदर की कहानी आपको बताएंगे, हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या 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 कहना हमारे सफों में, हमारी सफों में कौन कौन, हमारी सफों में कैसे कैसे लोग बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, उनको हम सबको एक्सपोज करेंगे बिल्कुल। और ये व्यूज का पहले कभी नहीं हुआ के लोगों ने अपने अपने दोस्तों के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन दिस इज अ बिग स्टेप विच शाहीन साहब आपने सर उठाया है, एंड आई एम विद यू इंशाल्लाह। बहुत से लोग हमेशा उठाया, मैंने 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ये पहले भी उठाया था और बार बार उठाया, लिखा भी है और वो मौजूद भी है, और नाम देके, यानी इसमें कोई डरने की या कोई घबराने की, दोस्त है तो दोस्त है, ठीक है। नहीं सर, मैं जाते जाते बात कर दूं सर, ये हर शख्स के सहाफियों के भी कबीले होते हैं ना सर, आप उनके कबीले में चले जाएं तो आपको उनकी बात करनी पड़ती है, कबीले से बाहर हो जरा सा मामला खराब हो तो आपको वो कबीले से बाहर निकाल देते, तो ये सर हर जगह है, हर ग्रुप। खैर, अब हम वो कबीले से दूर जाके एक जरा ऐसी जगह बैठे जहाँ से सारे कबीले जो है ना वो छोटे छोटे नजर आते हैं, तो हम देखेंगे उनको क्या करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये आज का शो था, मेरे कमेंट जरूर भेजिएगा, अगला शो बड़ी शिद्दत से मुझे तो इंतजार है, बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एक फॉर्मेट है उसमें किस्सा ने सदी का शाहीन साहब से इनके 50 साल कैसे गुजरे सहाफत के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए मुझे लंदन से और शाहीन साहब को अमरीका से, बहुत शुक्रिया।